हेलो, आवाज आ रही है? हाँ जी, फिर से होस्ट बनाना पड़ेगा, ऐसा लग रहा है स्क्रीन शेयर नहीं हो पा रही। हाँ, ओके हाँ ओके ओके, मैं कर देता हूँ। ठीक है। तो आप सभी देख रहे हैं, हम सबसे पहले एक पेज ले लें अगर हम बच्चों से यह एक्टिविटी करा रहे हैं तो, और उसके बाद हमको इस पेज को वर्गाकार बनाना है। अभी जो हम पेज देख रहे हैं ये वर्गाकार नहीं है बल्कि ये आयताकार है, तो हम इसको वर्गाकार आकृति बनाने के लिए एक सिंपल सा टेक्निक होता है। अगर हम कोई भी दो तरफ को एकदम स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, यानी सीधी करके हम उसको काट ले कोई भी दो साइड को, तो ये भी एक कला है। इसके लिए हमको वर्गाकार के नापने की आवश्यकता नहीं है, हम बिना नापी भी वर्गाकार बना सकते हैं ऐसा करके। ठीक है। और वैसे ही दूसरी तरफ भी हमको एक सीधी रेखा में कटिंग कर लेनी है। ध्यान रखें जिस कोने का हम उपयोग कर रहे हैं वो 90 डिग्री हो, ताकि हमारा जो पेपर है वो सही सही तरीके से वर्गाकार बन सके। ये आप देख रहे हैं कि इसको कैसे सभी तरीके से 90 डिग्रीज में बना रहे हैं, यानी उनको सारे जो भाग हैं वो बिल्कुल सीधे रहे हैं, इसलिए ये ऐसा टेक्निक किया जा रहा है। आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। अब आपको वर्गाकार बनाने के लिए कोई भी एक कोना पकड़ के जब आप दूसरे लाइन से मिलाते हैं तो देखिए वो जहां तक मिलेगा, और जो एक्स्ट्रा भाग है वो आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है, खड़ी लाइन है, तो उस आड़ी लाइन तक का भाग है उसको हम कटिंग कर लेंगे, और जो एक्स्ट्रा भाग है वो बाहर हो जाएगा, जिससे हमको वर्गाकार आकृति बन जाएगी। अगर आप सभी देख पा रहे होंगे तो ये देखिए, उसको जब मोड़ने के बाद एक्स्ट्रा भाग को हम मोड़ लेंगे कि एक्सेस है ये। ठीक है, इसको हमने मोड़ दिया। अब ये जो बाकी का जो भाग है ये हम इसको कटिंग करके निकाल देंगे। ठीक है, ये देखिए, अब ये जो पेपर है पूरी तरह से वर्गाकार है। हमने बिना स्केल की सहायता से एक पेपर को हम कैसे वर्गाकार बना सकते हैं, ये टेक्निक्स भी हमारे लिए जरूरी है। अब क्या कर, देखिए, पेंसिल से उस वर्गाकार आकृति के ठीक दो सामने की भुजाओं को मिलाते हुए स्केल से और पेंसिल से एक मार्किंग कर देना है। देखिए, दो बड़े त्रिभुज बन गए हैं। ओके, अब उसके बाद क्या करेंगे, हमको दूसरी दिशा से मोड़ना है और नीचे वाले जो कोण है उसको ऊपर वाले भाग से मिलाकर उसको फिर से हमको फोल्ड करने के बाद प्रेस करेंगे उंगली से, और आधे भाग को हमको केवल एक साइड को हमको प्रेस करना है। ठीक है, और दूसरे भाग का आधे थोड़े से भाग को लेना है। आप चित्र देखते जाएंगे तो मुझे लगता है बहुत इजी वे में सीखेंगे। आप जब ओपन करेंगे तो ये ऐसा दिखाई देगा आपको, बिल्कुल पतंग की तरह। ठीक है, स्केल की सहायता से हम फिर से पेंसिल में मार्किंग कर लेंगे। ये देखिए, आप, हमने यहां से मार्किंग कर लिया। ओके, बिल्कुल, ये देखिए इस प्रकार से आप मार्किंग कर लेंगे। ठीक, अब ऊपर का जो हिस्सा जहां से बच्चा है वहां से हमको क्या करना है, ये थोड़ी सी सावधानी पूर्वक हमको ध्यान देने का है। तो हम उस भाग को देखिए मोड़ के सेंटर वाले भाग तक ले जाएंगे और इधर को प्रेस करेंगे तो एक निशान बन जाएगा, ये देखिए। ठीक है, वहां पर भी हम स्केल और पेंसिल की सहायता से मार्किंग कर लेंगे। ये बच्चों के लिए बहुत सरल है, पहले हम स्वयं करें और उसके बाद फिर बच्चों से कराएं। ओके, चलिए, अब सेंटर वाले भाग को मिला देंगे। अब बस थोड़ा सा और प्रक्रिया बाकी है, फिर आप आसानी से सीख जाएंगे। ओके, देखिए, बताया अनुसार जैसा आप अगर करते जाएंगे तो ये सातवां चरण है और कुल 7 पार्ट हो गए इस वर्गाकार कागज के। देखिए हेमंत जी, जी मैम,
वो वेटिंग रूम में शायद दो जने हैं, तो आप उन्हें एक्सेप्ट कर लीजिए ज्वाइन ओके ओके करने के लिए। जी। महुआ का भाव का बोला है पता नहीं, 40 है तो नहीं दे मैं तो डायरेक्ट ग्राहक से पूछती हूँ क्योंकि। थैंक यू, ठीक है। तो ये अब आप सभी देख रहे होंगे, ये देखिए इसको हमने नामांकित कर दिया 1 2, ऊपर 3 4 5 6 एंड 7, ये सात, हमने सात भाग है, सातों को हमने नामांकित कर दिया, ठीक है। ये हमारा 10 ग्राम के लिए पेस्ट तैयार है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इसको या तो आप हार्ड बोर्ड में चिपका दीजिए, ऐसे देखो अपने पुराने कॉपी के जो बोर्ड है या कागज है पुट्टे हैं उसमें चिपका दीजिए, और चिपकाने के बाद हम जितने जो भाग हमने मार्किंग किया है हम उसको काट लेंगे। ये देखिए ये बहुत ही सरल गतिविधि है, और मुझे लगता है सारे हमारे ज्ञान दूत है उनको बिल्कुल ये करना चाहिए, और ऐसा करके आप बच्चों को एंगेज करेंगे, सिखाएंगे, उसके बाद आप बिल्कुल उसको वीडियो बना के जरूर भेजिएगा। ये देखिए अब हम जो मार्किंग किए थे उस मार्किंग वाले भाग को हम धीरे 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 करके काट लेंगे। तो इसके बाद आप ध्यान देंगे कि देखो आपको ये समांतर चतुर्भुज मिल गया, छोटे त्रिभुज मिल गए, दो बड़ा त्रिभुज भी मिल गया, और एक मिल गया आपको वर्ग स्क्वायर, ये सात भाग मिल गए, ठीक है। आप चाहे तो इसको कलर कर सकते हैं, और ना चाहे कलर करना तो भी ठीक है, ये आपके ऊपर है कि आप इसको एक कलर का करें या मल्टी कलर करें, आप जैसा कलर चाहे वैसा कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इन्होंने कलर कर लिया अब, ओके, अब मुझे लगता है कि आप सभी इनको समझ गए होंगे, तो मैं सीधे अब आता हूँ आगे कि ऐसा करने के बाद कि वहां के जो बच्चे हैं और आपके जो बच्चे हैं वो क्या बना सकते हैं, ये आप देखिएगा, मैं आपको चित्र दिखाते जा रहा हूँ। ये देखिए, ये अब इस खेल का नियम ये रहता है कि इस खेल में जो सात पार्ट हमने जो कटिंग किए हैं, गणित की जो सात आकृतियां हमने कटिंग किया है, वो सात आकृति एक दूसरे के ऊपर ओवर यानी नहीं होनी चाहिए, यानी एक दूसरे के ऊपर क्रॉस नहीं करनी चाहिए, और एक दूसरे के ऊपर छिपाना नहीं है मतलब उसको। तो आप सभी जो डिजाइन ये देख रहे हैं ये बना है 10 ग्राम से। आपको पक्षी दिखाई दे रहा होगा, आपको मछली दिखाई दे रही है, आपको घर दिखाई दे रहा होगा, ऐसे देखिए आपको खरगोश भी दिखाई दे रहे हैं, आपको एक डॉग भी दिख रहा होगा, आपको डग भी दिख रहा है, आदमी भी दिखाई दे रहे हैं। इस एक 10 ग्राम से हम लगभग 1000 से ज्यादा प्रकार की कलाकृतियां बच्चों से बनवा सकते हैं, और उससे भी ज्यादा बन सकता है यदि हम बच्चों को यह ना बताए कि इससे क्या क्या बनाना है, हमको केवल बच्चों को नियम बताने हैं और बच्चों को छोड़ देना है इसको देकर। तो आप देखेंगे बच्चा ऐसे, ये सारे 10 ग्राम से बने हैं, सभी में सात पार्ट बने हुए हैं, इन्होंने कलरफुल किया है, आप चाहे तो कलर कर सकते हैं, ना करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए सभी में 7 पार्ट्स है, देखिए आप ध्यान से देखेंगे तो ये पूरे 10 ग्राम से बना हुआ बनी हुई कलाकृतियां हैं। ये देखिए सारे डायग्राम्स आप ध्यान से देखिए कितने सुंदर सुंदर, ये बच्चों को की क्रिया सृजनात्मक क्षमता को बढ़ाने के लिए, उनके सृजनात्मक क्षमता को बाहर लाने के लिए, उनको बच्चों को सोचने पर मजबूर करने के लिए हम इस खेल का मदद ले सकते हैं। और ये मैंने स्वयं भी किया हुआ है, बच्चों से मैंने भी करवाया है। ये देखिए अगर आप प्योर ब्लैक से भी करते हैं तो भी ऐसे बहुत सुंदर आकृतियां बनते हैं। ये देखिए आप देखिए चलता हुआ व्यक्ति दिखाई दे रहा है, दौड़ता हुआ व्यक्ति दिखाई दे रहा है, लगभग 1000 से अधिक प्रकार की कलाकृतियां हम इस 10 ग्राम से बना सकते हैं, और यह बहुत ही सरल तरीका है बच्चों को सिखाने का। तो मुझे लगता है कि आप सभी को काफी अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार से एक दूसरा टेक्निक है जो आप सभी जानते हैं, हम घर में तो करते ही हैं, ओरिगामी, इसको हम ओरिगामी बोलते हैं। ओरिगामी का मतलब होता है कागज से कलाकृतियां, ओरिगामी का मतलब होता है कागज से कलाकृतियां, और यह भी एक जापानी संस्कृति से जुड़ा हुआ है, ये भी जापान से आया हुआ कलाकृति है जो अब हमारे स्कूलों तक
पहुंच चुका है और बहुत ही रोमांचक और बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है सीखने के लिए। तो लेकिन ओरिगामी में और टेनग्राम में अंतर क्या है कि टेनग्राम में हमको एक निश्चित तरीके से उस वर्गाकार कागज को काटना होता है, कार्डबोर्ड को, लेकिन ओरिगामी में ऐसा नहीं होता। ओरिगामी में वर्गाकार जो कागज होते हैं उनको एक निश्चित तरीके से नियमबद्ध तरीके से फोल्ड करना होता है, और जब उस नियमबद्ध तरीके से फोल्ड करते जाते हैं तो बहुत सारी आकृतियां बनती है, इसको हम ओरिगामी कहते हैं। जैसा एक सिंपल तरीका, जैसे सिंपल सा आपके बीच में एक दिखाई दे रहा है, जैसे 1 2 3 4 में यहाँ पे देखो ये टूलिप का एक फ्लावर बनाया है, तो देखो कितना इजी तरीके से 1 एंड 2 पोजीशन में क्या करेंगे, 3rd में और 4th में, ये बहुत आसानी से बन सकता है, ये तो हम करते ही हैं। लेकिन ये शिक्षण के साथ जोड़ना जरूरी है कि इससे बच्चे को हम क्या सिखा सकते हैं। जैसे ये अभी आपको दिख रहा होगा बटरफ्लाई का तितलियां बनाना, ये बहुत सुंदर तितलियां इसे हम बच्चों को सिखा सकते हैं और बहुत कम समय में। जब भी नेक्स्ट टाइम आप सभी के बीच मुझे ऑनलाइन आने का या फिर ऑफलाइन मौका मिले तो आप सभी को मैं बिल्कुल 2 मिनट के अंदर बहुत सुंदर सुंदर तितलियां बनाना, बटरफ्लाई बनाना जरूर सिखाऊंगा, ये वादा रहा आपको भी और बच्चों को भी। और आप यकीन नहीं करेंगे कि प्राइमरी स्तर के बच्चे भी 2 मिनट में ये जो आप बटरफ्लाई देख रहे हैं इससे भी सुंदर बटरफ्लाई बना सकते हैं केवल 2 मिनट के अंदर में। तो ये मैं जरूर आप सभी के बीच में नेक्स्ट टाइम लेकर आऊंगा। एक मिनट, हेलो, हेलो जी मैम, आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ। तो चलिए, मेरा ये मानना था कि बच्चों को अगर हम इस तरीके से अगर ओरिगामी का या 10 ग्राम का उपयोग करें तो बच्चा जो है बहुत जल्दी और बहुत अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। और जैसा भी आपने देखा 10 ग्राम केवल एक खेल नहीं है बल्कि गणितीय उसमें अवधारणाएं हैं। आप उसमें गणित के त्रिभुजों को समझा सकते हैं, वर्ग आकृति को समझा सकते हैं, आयत को समझा सकते हैं, छोटा बड़ा त्रिभुज को समझा सकते हैं, और उन चीजों को बाद में हमको समझाना है, पहले तो बच्चों को हमको इन्वॉल्व करना है, बच्चों को मजा आना चाहिए। जब मजा आना शुरू हो जाएगा उसके बाद हम बाकी चीजें बच्चों को सिखाने शुरू करेंगे। तो वैसे ही ओरिगामी में भी है, ओरिगामी में भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, और बच्चे से चर्चा हम बाद में करेंगे, क्योंकि बच्चा देखो गिनती बच्चा तब भी जानता है जब वो स्कूल नहीं आता है, बच्चा छोटा बड़ा तब भी जानता है जब वो स्कूल नहीं आता है। आपने देखा होगा कोई छोटा सा जो बच्चा है, अगर उनके घर में अगर उनको मिठाई दे दिया जाए और उनको बोले कि बेटा आधा अपनी बहन को दो अपने भाई को दो, तो देखना बच्चा हमेशा उसको 2 भाग करेगा, तो बड़ा अपना पास रखता है छोटा उनको देता है। और अगर आप उनको उनके हाथ में जो हिस्सा है उनको अगर मांगेंगे तो वो नहीं देने लगता है, रोने लगता है, क्योंकि उसको पता है कि ये बड़ा है और वो छोटा है। उसी बड़े और छोटे को कैसे लिखना है ये हम स्कूल आने के बाद सिखाते हैं, हम ये बड़ा छोटा हम बच्चों को स्कूल आने के बाद नहीं सिखाते हैं, वो तो पहले ही सीख चुका रहता है। हम तो उसको यही सिखाते हैं कि छोटा और बड़े का चिन्ह कैसे होता है, छोटा और बड़ा को लिखते कैसे हैं। बच्चे को कम और ज्यादा हम स्कूल आकर लिखना सिखाते हैं, छोटा और बड़ा कम ज्यादा तो बच्चा घर से सीख के आता है, जब वो स्कूल नहीं आता है तब भी जानते रहते हैं इस चीज को। तो हमको ये मानना चाहिए कि बच्चा बहुत कुछ सीख के आता है जब वो स्कूल में आता है, तब परिवार से, घर से, समाज से बहुत सारी चीजें सीख कर वो हमारे बीच रहता है। तो हमको बिल्कुल कभी ये ना सोचे कि बच्चा कुछ नहीं जानता, बच्चा सब चीज जानता है। उसको निर्धारित जैसे हम गणितीय भाषा में बोलते हैं, जैसे हम हिंदी भाषा में, जैसे हम विज्ञान की भाषा में जैसे लिखना चाहिए या जैसा बताना चाहिए, भले बच्चे को वह नहीं आता लेकिन बाकी कॉन्सेप्ट को बच्चा जानता है। उसी कॉन्सेप्ट के साथ हमको बच्चे और हम जो सिखाना चाहते हैं उसके बीच हमको एक सामंजस्य बिठाना है, एक तालमेल बिठाना है, और टीचर का काम ही यही होता है, क्योंकि टीचर को इसलिए तो मार्गदर्शक कहा जाता है। हमारा काम एक गाइड का होना चाहिए, बाकी काम बच्चे ही करते हैं और बच्चे से ही कराना है। तो ज्ञानदूत साथियों को मुझे ऐसा लगता है कि ये जो 10 ग्राम और ओरिगामी अच्छा लगा होगा। अगर इनसे संबंधित कोई सवाल हो या इनसे संबंधित कोई
जानकारी चाहिए तो मैं बिल्कुल जितना हो सके मुझसे मैं जरूर बताने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट टाइम जब भी हम मिलेंगे तो ओरिगामी और टेनग्राम बनाना भी कोशिश करूंगा कि मैं आप सबके बीच स्वयं करके इसको दिखाऊं, क्योंकि मैंने यह सब कर किया हुआ है। और अगर आप वीडियो देख के सीख जाए तो ये तो बहुत अच्छी बात है फिर तो। शुक्ला मैम और विनोद सर जी, हाँ जी, सेशन बहुत अच्छा था। ओरिगामी एंड ये जो आप लर्निंग का बोल रहे थे कि सीखने का, ये सही बात है कि सब कुछ गाइड होता है। बच्चा मतलब लाइक फ्रॉम बर्थ ही वो सीख लेता है कि उसे अपनी चीजें कैसे करवानी है। एवरीथिंग इज लर्न फ्रॉम इनिशियल ओनली। और ओरिगामी का भी कि 3D मॉडल्स को कैसे समझ सकते हैं हम, हर चीज तो बच्चे के सामने लाके नहीं रख सकते, पर बहुत ही अच्छा तरीका है कि पेपर से बना के उनके सामने बताएं 3D में। 2D में ड्रॉ करते हैं और ये ओरिगामी कि हम 3D के वे में उनको बता सकते हैं। पूरे वर्ल्ड में मतलब जितनी चीजें कोई एज्यूम कर सकते हैं तो उनके सामने हम उसको बना के दिखा सकते हैं कि कैसा होता है। एंड बहुत क्रिएटिव भी है। और अगर किसी को कुछ क्वेश्चंस हैं तो प्लीज पूछिए, और अगर नहीं है तो आप नो लिख के भेज दीजिए चैट बॉक्स में। एंड फिर हम यही अपना सेशन एंड करते हैं। एंड हेमंत जी आपको बहुत धन्यवाद सेशन एंड करने के। थैंक यू मैम। मैं एक छोटा सा प्रयास और रखना चाहूंगा कि अभी कलर्स पर हम चर्चा कर रहे हैं तो सेशन एंड करने के पहले कि हम बच्चों को कैसे अच्छे से पढ़ा सकते हैं, एक ही चीज को हम कैसे अलग अलग तरीके से हम समझा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, इसके लिए भी मैंने कोशिश किया था। जैसे हम कॉमनली मैं जैसे कभी टीचर्स की वीडियो देखते हैं तो हम उसको किसी कविता को पढ़ाते हुए जब देखते हैं तो बहुत सिंपल वो उस चीज को पढ़ाते रहते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि हम उसको एक नए तरीके से भी तो पढ़ा सकते हैं। हमने देखा है कि बच्चों को सॉन्ग्स बहुत पसंद है, हम सबको भी सॉन्ग्स बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर बच्चों के बीच कोई ऐसा सॉन्ग लेके आए जो वो जाना माना है और बहुत जिनके धुन उनको अक्सर सुनाई देते हैं तो मुझे लगता है बच्चा बहुत जल्दी सीखते हैं। तो हम किसी पाठ को जब पढ़ाते रहते हैं, किसी अध्याय को, किसी कविता को, तो लयबद्ध पढ़ाने के लिए हम टीचर को बहुत दिक्कत होती है, ये मैंने देखा है। तो वो क्या करते हैं, वो बहुत उनको जैसा बनता है वैसे ही पढ़ा लेते हैं। जैसे मेरे पास अभी एक जैसे मैं 5वीं का एक कविता लेना चाहूंगा फॉर एग्जाम्पल के रूप में। इसमें है कि मैं अमर शहीदों का चारण उनके गुण गाया करता हूँ, जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करता हूँ। ये आप सभी ने पढ़ा भी होगा, तो ये बहुत अच्छी कविता है। तो टीचर एक सामान्य टीचर्स, मैं टीचर्स की बुराई तो नहीं करता, बट एक सामान्य टीचर कैसे पढ़ाता है बच्चों को, वो टीचर्स बोलते जाता है और बच्चों से बोलते हैं कि आप रिपीट करते जाना। तो टीचर बोलता है मैं अमर शहीदों का चारण, तो फिर बच्चे रिपीट करते हैं उनके गुण गाया करता हूँ, जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करता हूँ। बच्चे रिपीट करते जाते हैं। मैंने कोशिश किया कि अगर हम इसको किसी गाने के तर्ज के साथ जोड़ दें और तो हो सकता है बच्चों को मजा आए और इंटरेस्टिंग हो। तो एक एक ही कविता को हम कैसे अलग अलग गाने के साथ जोड़ सकते हैं, तो मैंने उसके लिए एक जैसे मैं एक सॉन्ग है जैसे कि आप सभी जानते हो कि ये देश है वीर जवानों का, मैंने उस पर डाल दिया क्योंकि ये हमारे देशभक्ति सॉन्ग है। तो मैंने उसको कैसे गाया बच्चों के बीच, मैं अमर शहीदों का चरण, मैं अमर शहीदों का चरण उनके गुण गाया करता हूँ, जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करता हूँ। मैं अमर शहीदों का चरण हो 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 हो, यह सच है याद शहीदों की हम लोगों ने दफनाई है, यह सच है उनकी लाशों पर चलकर आजादी आई है। मैं अमर शहीदों का चारण। चलिए अब अगर इसी गाने को अगर एक दूसरा टीचर अगर गाएगा तो कैसे इस कविता को गा सकता है। तो इसको मैंने कोशिश किया कि अगर जैसे हम ए मेरे वतन के लोगों हैं जो कि स्लो सॉन्ग है, अभी जो मैंने गाया वो बहुत एनर्जेटिक सॉन्ग था, अगर स्लो में गाए तो हम कैसे गाएंगे इसको। मैं अमर शहीदों का चारण, मैं अमर शहीदों का चारण उनके गुण गाया करता हूँ,
जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करता हूँ। यह सच है याद शहीदों की हम लोगों ने दफनाई है। यह सच है उनकी लाशों पर चलकर आजादी आई है। एक ही सॉन्ग को, अगर हम एक ही कविता को बच्चों के बीच अगर अलग अलग गीतों के रूप में लेके जाएं, तो मुझे लगता है कि सीखना बहुत इजी हो जाएगा, पढ़ाना बहुत इजी हो जाएगा और बच्चों को मजा बहुत आएगा। तो ये भी एक कला है। मैंने अभी आपको जो ओरिगामी 10 ग्राम के साथ, यह भी चाहूंगा कि अब हम किसी कविता को आप स्वयं टीचर डिसाइड करें कि हम कैसे उसको किसी सॉन्ग के साथ जोड़ सकते हैं, कौन से सॉन्ग में फिट हो सकता है, और ऐसा करने के बाद जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो बहुत मजा आता है। ये मेरा पर्सनल अनुभव है। जी जी शुक्ला मैम, थैंक यू। ये तो बहुत ही अच्छा, मतलब वो है तरीका। मैं खुद फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ, बट मुझे बहुत मजा आया कि हाँ बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं और उनका खुद का एक वो रहता है कि हाँ ये सॉन्ग हमें अच्छा लगता है और उसमें अगर उसको डाल दिया जाए तो सच में एक अच्छा तरीका है कुछ भी उन्हें सिखाने के लिए। यहाँ कोई और भी किसी को कुछ पूछना है या कहना है तो प्लीज कहिए। निर्मला जी, ललिता जी, देवनारायण जी, सरिता जी, हांसिंह जी, कुछ कहना है आपको? जी हाँ मैम, मैम हेलो। कुछ हाँ, अभी सर जो जो गीत सॉन्ग के बारे में बताया है वो एकदम कॉमन बात है मैम। मैं अधिकांश शिक्षकों को देखा हूँ कि वो जैसे लयबद्ध तरीके से जैसे गाया ना भी हेमंत जी, वैसे नहीं गाते, सीधा सीधा पढ़ाने के हिसाब से गा देते हैं उसको। ना बच्चे को समझ आता है, ना शिक्षक को पूर्ण रूप से समझ नहीं आता। तो ये लयबद्ध जो तरीके गाने के माध्यम से पढ़ाने का, ये जो सॉन्ग जो है बताया है सर, वो बहुत अच्छा है। इससे हम लोगों को एक अनुभव मिला है। जी मैम, ओके हाँ मतलब ये तो है, ये तरीका बहुत अच्छा है। और ताम्र ध्वजी, आपको कुछ बोलना है? जी नहीं मैम, बहुत अच्छा लगा और मैं अपना नोट से तैयार कर रहा हूँ कि आगे जब भी पढ़ाऊँ तो मैं इसी तरीके का फॉलो करूँ। जी मैम, थैंक यू मैम। ओके वेलकम। ये अच्छा है। नोट्स एक्चुअली हम लोग भूल जाते हैं क्योंकि सब कुछ सुनते हैं, तो नोट्स मेकिंग आगे के लिए अच्छा रहता है, रिवीजन के लिए और बच्चों को सिखाने के लिए भी। ठीक है फिर हेमंत जी, आगे और कुछ भी है क्या कि हम यही जी एंड करें सेशन को? जी जी मैम, सभी को बहुत शुभकामनाएं, और कभी तो फिर से मुलाकात होगी तो जरूर चर्चा करेंगे। बहुत सारी और चीजें हैं, अभी आज के लिए इतना ही काफी है। और हमारे सभी ज्ञान दूसरे नियोजन है कि अगर आप अगर ऐसा एक्टिविटी करें तो उनका एक छोटा वीडियो बना के ग्रुप में भी डाल दें तो सबको और सीखने को मिलेगा। क्योंकि ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है कि हम सोचते हैं कि कैसे शुरुआत करें, लेकिन जब दूसरे जो टीचर्स हैं, जो दूसरे ज्ञान दूत जब करके दिखा देते हैं तो उसका वीडियो देख के हमको मतलब हम मोटिवेट होते हैं। तो ऐसा बिल्कुल करें, ग्रुप में शेयर करते जाए तो बहुत अच्छा लगेगा फिर। ओके थैंक यू। तो जैसा कि हेमंत जी बोल रहे हैं, अगर आप में से कोई भी एक इनिशिएट करेगा ये चीज कि एक वीडियो डाले बना के खुद से और बच्चों के साथ, अगर बच्चे आ रहे हैं उनके साथ बना के डालें, उनको भी मजा आएगा, क्रिएटिव है ये सब कुछ, तो सबको अच्छा लगेगा। और इसी के साथ हम लोग अपना सेशन एंड करते। ओके थैंक यू। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू।